आमना क्या हुआ, आज स्कूल क्यों नहीं गई? बाजी इसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, इसको बुखार भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और बार बार इसको मोशन हो रहे हैं जिसकी वजह से बुखार नहीं जा सका। घर की दवाई पड़ी हुई थी, पिलाया मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, इसको तो ऐसे ही लग रहा है जैसे वो अलामत हैं जो अफशा बता के गई थी। कौन सी अलामत बाजी, मैं समझी नहीं। तुम ऐसे करो, मुझे फ़ोन दो, मैं उससे बात कर लूँ। अच्छा, ये जो आप अलामत बता रही हैं ये टाइफाइड की हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ एहतियाती तदाबीर बता देती हूँ, आप उन पर अमल कीजिएगा। बाहर के खाने और बर्फ़ वगैरह से एहतियात करें, घर की बर्फ़ और घर के साफ़ सुथरे खाने खिलाएं, खाना खाने से पहले इनके हाथ अच्छी तरीके से धुलवाएं और किसी डॉक्टर से रजू करें। अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें और अपने बच्चों को महफूज बनाएं। टाइफाइड की अलामत तेज़ बुखार, सर में दर्द, कॉन्स्टिपेशन और दस्त हो सकते हैं। सिंध में खसूसी तौर पर कराची और हैदराबाद में टाइफाइड की एक वबा फैली हुई है और ये वबा ज़्यादातर 15 साल से कम बच्चों को अफेक्ट कर रही है। टाइफाइड से बचाव के लिए इस वक्त सिंध गवर्नमेंट एक वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू करने वाली है। इसमें 9 महीने से लेके 15 साल तक के बच्चों को पूरे सिंध में फासी टीके टाइफाइड के ख़िलाफ़ लगवाए जाएंगे। आने वाली मुहिम में अपने 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को हिफाजती टीके टाइफाइड के खिलाफ ज़रूर लगवाएं।